काफी भारी जोड़ा है ना, बहुत गर्मी लग रही होगी। क्या करें, इतनी गर्मी में शादी करना पड़ गई, मजबूरी थी। मम्मी को ना बहन के पास कुवैत जाना था, अब उन्हें यह परेशानी थी कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं बाहर का खाना खा खा के बीमार पड़ जाऊंगा। वो क्या है, हेपेटाइटिस ए सी और कुछ नहीं तो बी तो हो ही जाता है रोजाना बाहर का खाना खा खा के। तो बस ये परेशानी थी मम्मी को। अच्छा ये जनाब मुंह दिखाई, ये कहते हैं ना मुंह दिखाई का तोहफा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आई मीन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी ज्यादा अरेंज मैरिज हो जाएगी। इतनी अरेंज मतलब कितनी अरेंज मैरिजेस हुई हैं आपकी? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। वही तो पहली दफा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही अरेंज हो गई। अम्मी ने सब कुछ बाला बाला ही तय कर लिया, अब तो रस्मी मुलाकात भी नहीं करवाई। अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी तस्वीर देख लूं। मैंने कहा जब सब कुछ अरेंज हो रहा है तो फिर शादी वाले दिन एक बार ही मुंह देखेंगे। वैसे वाकई भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक बात बताऊं, मैं तो लव मैरिज करना चाहता था। तो फिर क्यों नहीं की? अच्छा अम्मी ने नहीं कराई होगी? नहीं नहीं नहीं, अम्मी तो मानी जाती, कोई लड़की नहीं मानी। वैसे मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे लव हो जाए, इसी इंतजार में 30 साल का हो गया। मैंने कहा मट्टी बाव अरेंज मैरिज कर लेते हैं, वैसे भी अम्मी ने जाना था तो मैं तो आप बाहर का खाना खा खा के बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल जी, वाह वाह, सही कहा आपने। अच्छा ये जो है ना, ये वो मुंह दिखाई वाला तो पहला नहीं होता। ऐसे हाथ क्या रहे हैं तुम्हारे। थैंक्स। हमेशा कोल परे परे। ऐसे फेंकते हैं टावल, तमीज नहीं है तुम्हें? ओह कहीं लगा तो नहीं? दिखाओ सर तो नहीं बन गया? लेकिन मैंने तो वहाँ सोफे पे फेंका था, तुम तो यहाँ खड़ी हुई थी। ये कोई तरीका नहीं होता चीजें इधर से उधर फेंकने का। अच्छे देखो जरा, मैं भी किससे समझा रही हूँ। अच्छा अच्छा सुकून से टीवी देखो, उठा लूंगा मैं। सुकून? सुकून है ही कहाँ मेरी जिंदगी में। और तुम मुंह बंद करके नहीं खा सकते? तुम तो बस इस घर में सोने आते हो या खाने, मैं ही अकेली पूरा दिन तरसती रहती हूँ किसी से बात करने के लिए। ये नहीं होता तुमसे कि दो प्यार के बोल ही बोल दो मुझसे। खुद ही तो तुमने कहा कि मुंह बंद करके खाऊं मैं, अब बंद मुंह के साथ मैं किस तरह बोलूं? और बात पे भी एतराज है तुम्हें? हाँ ठीक है, अब तो तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगेगी। मुझे ही है तुम्हें? अब चिल्लाओ मुझ पे सुबह सुबह। अरे तुम तो जैसे सुबह सुबह ना निहार मुंह मेरे फूल बरसा रही हो। और ये रोना तो बंद करो, ये नई हरकत शुरू की है तुमने, हर छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देती है मैडम। और तुम जो बात बात पे मुझ पे चिल्लाने लगे हो, अभी कुछ दिन गुजरेंगे तुम तो मुझ पे हाथ भी उठाओगे। वैसे ये नया आइडिया दिया तुमने मुझे, कसम से मेरे जहन में तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं था ये। ठीक है कर लो अपनी हसरत पूरी, उठाओ मुझ पे हाथ, मारो मारो मुझे। तुम और कहीं भी कह सकते हो, और ये थू कमजोर हूँ, मर्दों का आखिरी हथियार यही होता है। या खुदाया किधर फंस गया हूँ मैं, अजीब नफ्सियाती औरत है, पहले झगड़ा करने पे उकसाती और फिर मारने पे, यहाँ से जाना ही बेहतर है। जाओ और आना मत वापस। हाँ नहीं होगा, शौक नहीं है मुझे। वाह 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 वाह, क्या गजल है, ओह क्या शायरी है ना, क्या गाता है ना। गाने को पता, अलबत्ता रोज जरूर अच्छा रहे। नहीं कैसे इंसान हो तुम, तुम्हें म्यूजिक नहीं पसंद? अरे क्यों पसंद नहीं है, म्यूजिक के बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी है। सुनाओ ये सुनो ना तुम, मंजर देखो ना, कितनी प्यारी शाम है, जगमगाते हुए सितारे, ओह और ये म्यूजिक, ओह माय गॉड।
अंसर देखा ना तुम भूल गए, आज हमारी शादी को पूरा एक महीना हुआ है, तो ये केक उसी खुशी में है। महीना हो भी गया? हाँ। अच्छा मंजर, सिर्फ तुम्हारी शादी थोड़ी हुई थी, हमारी हुई थी, ये केक हमें मिलके काटना चाहिए था। ओ सॉरी, वो दरअसल मेरी शादी कभी हुई नहीं है ना पहले, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। आई एम सॉरी। केक मुझे भी तो खिलाते ना, तुमने अकेले खा लिया। तुम ऐसा करो, खाना लेकर आओ, मैं एक एक नवाला तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। खाना? मैं यहाँ पे अपनी शादी का फर्स्ट मंथ सेलिब्रेट कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि खाना मैं घर में बनाती? जी नहीं, हम खाना बाहर खाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर जल्दी कर लो, मैं भूख से मर रहा हूँ यार। जाओ। गिफ्ट? गिफ्ट? हाँ गिफ्ट। वही भाई ना, आप ही को शादी के पूरे एक साल तक हर महीने गिफ्ट देते रहे और तुम मुझे पहले महीने गिफ्ट नहीं दोगे? अरे तुम्हारे वही भाई क्या बेचते हैं मेरे आगे, मैं तुम्हें ऐसा मौका दूंगा अपनी आपी के सामने शो मारने का कि तुम हैरान रह जाओगी। कब हुई थी हमारी शादी? जुमे को ना? हाँ। तुम देखना, मैं हर जुमे को अपनी शादी की याद में तुम्हें तोहफा दिया करूंगा। हर जुमे को? एनिवर्सरी तक? नहीं, सारी जिंदगी। सच्ची? मुझे तुम्हें एक मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। कहाँ कहाँ जा रहे हो? बस 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 एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। बन कबाब दो लिए खाओगी? मुझे तो कसम से इतनी भूख लगी। असल में हम लोग यहाँ नए शिफ्ट में आपके बराबर में ना, तो सामान अभी खोला उसमें बेलन नहीं मिल रहा, मुझे पराठा बनाना है बहुत जरूरी। अच्छा एक मिनट, मासी जरा बेलन लाना किचन में से। मासी प्लीज जल्दी ले आए, पराठा बनाना है, वो आटा ना सूख जाएगा बिल्कुल। जल्दी लाना जरा, हमारे नए पड़ोसी आए हैं। आपका नाम क्या है? रुमाना। क्या फिर वही आलू गोश्त? रोजाना क्यों बना लेती हो ये? रोज बनाती हूँ, कल दाल चावल बने थे, भूल गए? हाँ तो परसों तो आलू गोश्त था ना, कल फिर दाल चावल होंगे, उसके बाद फिर आलू गोश्त होगा। तो तुम्हें पसंद है ना घर का ये देसी खाना, वरना मैं तो चाइनीज और इटालियन भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। तुम खाओगे? नहीं ना, तो फिर खाओ ये देसी खाना। अब क्या करूँ, देसी खाना में और क्या ऑप्शंस हैं? यही है, आलू गोश्त, मटर गोश्त, दाल चावल, और क्या? और भी बड़ा कुछ होता है। अच्छा ये पार्ट टाइम या फुल टाइम कुक है? एक्चुअली ना मुझे मंजर को भी कुक की बहुत जरूरत है, वैसे तो हम दो ही लोग हैं तो खाना एक ही वक्त बन जाए। अगर ये मंजर के आने के बाद डेढ़ दो घंटे के लिए हमारे घर आके खाना बना दे तो? खालिद जाके बच्चों को स्कूल से ले आओ। ये मेरे हस्बैंड हैं, कुक नहीं। I'm so sorry, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। देखा ना फिर कर गई मैं हिमाकत। मंजर बिल्कुल ठीक कहता है कि कभी ना मैं हिमाकत की बात कर ही जाती हूँ। देखें जमीला, नॉट जमीला, कॉल मी जैमी। ओके जैमी, आई एम सो सॉरी, मुझे ना बहुत शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदगी तो मेरे नसीब में लिखी है। निकाह नामे समेत मेरी जलालत है ये शख्स,
स्टूपिड्स। मंजर आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। क्यों भाई, खैरियत है? बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे आज? हाँ? प्यार नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है। तुम पे नहीं आ रहा गुस्सा, मासी पर आ रहा है। देखो ना, इतनी लेट आती है, रोज 12 बजा देती है। तो तुम क्या चाह रही हो, कि मैं घर बैठ के मासी के हिस्से के सारे काम करूं? वेरी नाइस, कर ही ना लो तुम। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे। भाई मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज घर में रुक जाओ। मासी आए उससे डांटो, उससे कहो कि लेट मत आया करे, अगर आइंदा लेट आए ना तो निकाल देंगे। तो ये इतने से काम के लिए तुम्हें मेरी खिदमत क्यों चाहिए? तुम खुद भी तो कर सकती हो, और वैसे भी ये तुम्हारा काम है। मेरा काम है? क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? मासी घर के काम के लिए आती है, और ये घर तुम्हारा भी है, और वैसे भी ज्यादातर काम तो वो तुम्हारे करती है, तो ये मेरी ड्यूटी कैसे हुई? और एक बात सुन लो तुम, अगर ये घर तुम्हारा है तो इस घर के मसले तुम भी सॉल्व करोगे। मैं अकेले क्यों नौकरों से लड़ती रहूं, अपना मूड खराब करूं? सुबह सुबह तुमने क्या जाहिल औरतों की तरह लड़ना शुरू कर दिया? जाहिल? मुझे मुझे तुमने जाहिल कहा? मत भूलो तुम कि अगर मैं तुम्हें एहसास नहीं दिलाती। देखो मंजर, एक बात याद रखना, अगर मैं तुम्हें जताती नहीं हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एहसास ना हो कि तुम बीए पास हो और मैंने मास्टर्स किया है। कैलेंडर, नए इस्लामी साल का कैलेंडर, इसमें रमजान का पूरा चार्ट मौजूद है, अफ्तारी और सहरी की टाइमिंग्स भी है, बहुत काम आएगा तुम्हारे। ये लो, बाहर से कुछ खाने को ले आओ। खाओगी तुम? नहीं, थैंक यू सो मच। तुम ही खाओ ये ओजड़ी पोजड़ी, मैं नहीं खा सकती ये सब चीजें। मैं अपने लिए कुछ सैंडविच बनाऊंगी, आराम से खाऊंगी। वैसे ये अच्छा आइडिया, मेरे लिए भी एक सैंडविच बना दो ना प्लीज। क्यों, अपना सैंडविच खुद बनाओ। ये तुम्हें होता क्या जा रहा है आजकल? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं, बिल्कुल ही पागल हो गई हो। हाँ हाँ हूँ पागल। अब क्या कर रहा है वो तुम्हारा खून जलाने के बाद? किचन में अपने लिए सैंडविच बना रहा है। गुड, खबरदार उसके पीछे उसकी हेल्प कराने मत जाना। ऐसे ही उसकी दुम सीधी होगी। आज अपने लिए बना रहा है, कल तुम्हारे लिए बनाएगा। खालिद भाई की तरह? खालिद से मुझे याद आया, एक घंटा पहले मैंने उसको चाय बनाने का कहा था, वहां गया। खालिद! मंजर पता है, घर में पड़े पड़े ना मुझे डिप्रेशन होने लग गया। हाँ, तो कल जैसे ही दफ्तर से वापस आऊंगा ना मैं, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे और साथ साथ म्यूजिक भी सुनेंगे, कैसा? नहीं सुनूंगी मैं। और मंजर, मैं दिन की मसरूफियत की बात कर रही हूँ, रात की नहीं। यार वैसे तुम रोमाना अजीब सी बातें करती हो, कमाल करती हो, मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती। कभी तुम कहती हो कि मसरूफियत इतनी है कि अपने लिए वक्त नहीं मिलता, और कभी कहती हो कि वक्त बहुत ज्यादा है, मैं बिजी होना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? घर के काम ना मसरूफियत नहीं, बोझ होते हैं, सलाहियतों को जंग लगा देते हैं। भाई मैं ना अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहती। टैलेंट? टैलेंट? इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे आज तक तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, कहाँ छुपा के रखा हुआ था? दो महीने में तो ये टैलेंट मुझे दिखाई नहीं दिया। शट अप मंजर, जस्ट शट अप। अच्छा मुझे बताओ टैलेंट कौन सा है तुम्हारे अंदर? आग के चोले निकाल सकती हो या रस्सी के ऊपर साइकिल चलाना जानती हो? तुम जैसे छोटी सोच के मर्द यही सोचते हो कि औरत एक बेकार मखलूक है, क्योंकि तुम लोग डरते हो। तुम लोग डरते इसलिए हो कि अगर तुम लोगों ने हमारी सलाहियतों को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया, तो हम मुकाबले में उतर आएंगे। मुकाबला? ये मेरे हस्बैंड है मंजर। मंजर ये जमीला मेरी सहेली। बहुत तारीफ सुनी है आपकी। काश मैंने भी सुनी होती।
अपनी? जी नहीं, आपकी। जमीला को ना मजाक करने की बहुत आदत है। आप बताएं, ये भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? वो किचन में है। खालिद, खालिद। जी 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 जानू। कितनी बार समझाया है कि जब घर में मेहमान आते हैं तो उनसे आके मिलते हैं, एटिकेट्स नहीं है? नहीं, वो असल में मैं ना वो चावल बॉईल करने रखे हुए थे एक चूल्हे पे, और दूसरे चूल्हे पे ना वो कबाब रखे थे, अगर आ जाता तो वो जल जाते। सॉरी। चावल कबाब, वही सदियों पुराना मेन्यू, नई चीज नहीं बना सकते तुम? मैं जरा जाके किचन में देखती हूँ, पता नहीं क्या करके आया है, शायद खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़े। खालिद, मैं बस अभी आया। झूठी, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे शोहर ने तुम पे पाबंदी लगा दी थी, दूसरों के घरों में काम करने से मना कर दिया था? बीबी जी, अरे वो तो उसको अल्लाह का खौफ आ गया, वो मेरी तरफदारी करने लगा, वो भी जमीला बीबी की हरकतें देखकर। अब उस दिन की बात ले लो, मुझे कितनी तेज बुखार था, हाथ पे जख्म भी था, पूरे घर के पर्दे और कुशन धुलवाए, मुझसे पूरे 4 बजे तक काम करवाया, खाना भी नहीं पूछा। मेरे मियाँ ने मेरी सेहत खराब होते हुए देखी तो कह दिया कि दफा कर ऐसी नौकरी जो इंसान को इंसान ही ना समझे। लेकिन जमीला तो कह रही थी कि उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया ना कि मेरी 1.5 माह की तनख्वाह रोक के बैठी है, पिछला पूरा महीना और इस महीने की आधी, मैं तो इसी बात के लिए उनके घर के फेरे लगा रही थी, मगर तौबा तौबा, कैसी औरत है, गरीब के पैसे खा के बैठी हुई है, अल्लाह उन्हें पूछेगा जरूर। मुझे खुद एहसास होना चाहिए था कि तुम क्या सोचती हो, क्या चाहती हो, क्या क्या कुछ कर सकती हो, और मैं तुम्हें सिर्फ आलू गोश्त और दाल चावल तक महदूद कर रहा था। देखो, तुम जिस अंदाज में वो बात मुझसे कर रही थी ना, वो गलत था, मैं उस गलती को सुधारना चाहता था ताकि हमारा रिश्ता और ये घर बच सके। वैसे आपस की बात है, मैं खुद भी सुधरने का प्लान बना चुका हुआ था। अच्छा, मसलन? मसलन ये कि देखो, जरूरी नहीं है कि वही बीबी आइडियल हो जिसे आपकी पसंद का खाना बनाना आता हो। घर के काम, घर की जिम्मेदारियां भी एक फुल टाइम जॉब है। इस तरह मुझे ऑफिस से आने के बाद उस संडे को रेस्ट चाहिए होता है, इस तरह आई एम श्योर तुम्हें भी ब्रेक चाहिए, तुम्हें भी रेस्ट चाहिए, तुम्हें भी आराम चाहिए। मुझे तुम्हारी जॉब करने पे कोई एतराज नहीं है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारियों में जितना हो सका मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। और एक बात तुम्हें पता, इस जुमे को मैं तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाला हूँ। प्लीज मंजर।